देश के राष्ट्रपति चुनाव की रेस में बीजेपी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने बाजी मारी थी, लेकिन अब राष्ट्रपति को बीजेपी की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। जी हां, बीजेपी ने रामनाथ कोविंद की बहू दीपा कोविंद को टिकट ना देकर कोविंद परिवार को नाराज कर दिया है। दरअसल कोविंद की बहू दीपा ने कानपुर के झिंझांग नगर पालिका चुनाव से लड़ने का मन बनाया था, जिसके चलते वो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐन वक्त पर ठेंगा दिखा दिया। बीजेपी ने नगर पालिका चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर कोविंद की बहू दीपा को नजरअंदाज कर सरोजनी देवी कोरी को अपना उम्मीदवार बना दिया। बस फिर क्या था, कोविंद की बहू दीपा का ऐसा पारा चढ़ा कि अब उन्होंने निर्दलीय ही मैदान पर उतरने का फैसला किया है। कोविंद के भतीजे पंकज का कहना है कि बीजेपी ने उनके साथ ठीक नहीं किया। बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है, ना तो पार्टी के लोग उसे जानते हैं और ना ही लोगों के बीच उसकी कोई पहचान है। वैसे इस बार बीजेपी ने कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। ऐसे में राष्ट्रपति कोविंद की बहू को टिकट ना देकर बीजेपी ने कोई गलती तो नहीं कर दी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे।